नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। आज मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा कलवा मुमरा के जो चुनाव है, कलवा मुमरा की सीट के बारे में हम चर्चा करेंगे। वहां पर जितेंद्र आव्हाड को इस बार जो है काफ़ी टफ मिल रहा है, यानी कि पिछली बार जो 3 बार आसानी से जीत हासिल किए थे, इस बार उनके चेले ही जो है उनके खिलाफ जो है चुनाव में खड़े हैं और पूरी तरह से जो है तगड़ी फाइट में लगे हुए हैं। यानी कलवा मुमरा जो सीट है उस पर जो है टक्कर काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो हम इसी पर चर्चा कर लेंगे आज कि वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है, जितेंद्र आव्हाड वर्सेस नजीब मुल्ला क्या कहते हैं वहाँ के लोग और क्या इस समय सिस्टम बना हुआ है वहाँ पर, स्थिति क्या बनी हुई है। सर, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे आप कलवा मुमरा के बारे में, क्योंकि इसमें थाने पूरे एमएमआर रीजन में जो है कलवा मुमरा जो है काफ़ी चर्चा में है कि इस बार क्या जितेंद्र आव्हाड हार जाएंगे, क्योंकि नजीब मुल्ला उनके ही चेले हैं और नजीब मुल्ला जो है पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे कि इस बार उनको जो है चुनाव में लड़ना है। अगर वो एनसीपी में रहते तो भी जो है जितेंद्र आव्हाड का टिकट काटने तक की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि नजीब मुल्ला जितेंद्र अजीत दादा के एकदम करीबी माने जाते हैं और अजीत दादा का और जितेंद्र आव्हाड का जो है क्या रिश्ता है सभी को पता है कि कितने अच्छे रिश्ते नहीं हैं। हालांकि अब तो अलग अलग हो गए हैं तो रिश्ते और ख़राब हो गए हैं। हम तब की बात कर रहे हैं, अगर एनसीपी अगर एक ही पार्टी होती तो भी जो है इस पर जितेंद्र आव्हाड जी के लिए काफ़ी परेशानी होती थी। क्या कहेंगे सर कलवा मुमरा सीट के बारे में? तो कलवा मुमरा गत 3 टाइम जी जितेंद्र आव्हाड जीते थे, हैट्रिक मारा उन्होंने, चौथी बार चुनाव में, चौथी बार चुनाव में है जी। और अगर शुरुआत से देखने जाए 2009 से, तो 2009 में वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार सीट बनी बनी थी, वो पहली बार कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी मुमरा की, पहली नवी सीट थी जी। तो उस वक्त का मुमरा जो था 2009 का और आज का मुमरा जो है, ये अगर कोई उस जैसे मैंने देखा है उस वक्त मुमरा कैसा, आज अभी भी देखा है परसों जाके, तो जमीन आसमान का फर्क है। ओ, मतलब डेवलपमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि पहले मतलब घेटो बोलते हैं ना, मतलब एक नरक लोग तो वैसे, और अभी इतना डेवलपमेंट उधर हो गया है, रास्ते बड़े हो गए हैं, कंक्रीट के हो गए हैं, इलीगल बिल्डिंग जो है वो काफ़ी तोड़ी है उधर की, मतलब रास्तों पे लाइट्स है, पहले मतलब ट्रैफिक को कुछ डिसिप्लिन ही नहीं था, कोई भी किधर से भी कैसे भी चलाता था, किधर भी पार्क करता था, तो अभी एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आ गया है और एक शहर जैसे लगने लगा है। नर्क से एक शहर का परिवर्तन मुमरा में हुआ है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा नन्हे साहब यहाँ पर, कि जितेंद्र आव्हाड बार बार आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार जो है हमको मदद नहीं करती है, सरकार जो है हर चीज में अड़ंगा लालती है, उसके बाद भी इस तरह का विकास करना, तो ये तो जितेंद्र आव्हाड के लिए चुनौती नहीं कैसे है। 9 से 14 तक तो उन्हीं की सरकार थी जी, तो उस वक्त उन्होंने किया, उस वक्त उन्होंने मतलब मुझे जितेंद्र आव्हाड की एक चीज अच्छी लगती है इसमें, उस वक्त उन्होंने एक नारा दिया था कि सोच बदलो तो मुमरा बदलेगा, और उन्होंने बदली करके दिखाया मुमरा को, मतलब मुमरा वालों ने सोच बदला, मुमरा वालों ने सोच बदला और उसने भी अच्छा। उसका दूसरा दायरा भी यह है कि लोगों का भी मुमरा की तरफ देखने की जो सोच थी वो भी बदली है, अभी उसका जो परिवर्तन हुआ है वो। एक समय ऐसा था कि मुमरा के, अगर आप मुमरा में रहते हो, आप बायोटा में लिख दिए कि मेरे मुमरा में रहता हूँ या एड्रेस मुमरा डाल दिए, तो कंपनी में जो जॉब मिलने वाली है वो जॉब नहीं मिलती थी, बोलते थे मुमरा वाले को यहाँ पर नहीं रखना है जी। आज स्थिति नहीं है, आज वैसी मतलब वो जॉब्स के लिए अभी भी परसों है कुछ जगह पे, कि स्कूल में मुमरा के बच्चों को नहीं एडमिट करते। ओके, मतलब पनवेल की एक केस परसों ही मैंने पढ़ी कि लगभग 15-16 स्टूडेंट्स थे वो मुमरा के थे, उनको नहीं लिया, मतलब बायोटा में मुमरा लिख दिया, मुमरा का एड्रेस था तो उनको एडमिट नहीं किया, क्योंकि उनका एक नजरिया है। बहुत से लोग तो मुमरा में रहते हैं और दिखाते हैं मैं कल्याण में रहता हूँ, कलवा में रहता हूँ, इस तरह दिखाते हैं, वो एड्रेस ही नहीं डालते अपना प्रॉपर जी। तो ये जो चेंज हुआ है जी, उसका डायरेक्ट ये चेंज किसने किया है, तो जितेंद्र आव्हाड ने, क्योंकि वो स्थानिक विधायक है जी। तो वो चेंज जैसे जैसे होते गया, उसकी मतलब 2009 में जितेंद्र आव्हाड 15,000 से जीत के आए थे, 2014 में जितेंद्र आव्हाड 50,000 के मार्जिन से जीते और 2019 में 75,000 के मार्जिन से जीते, और आप मार्जिन बढ़ते ही गया। आप कहीं पे भी जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वकील के पास जाओ, कोई बिजनेसमैन है उसके पास जाओ, या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है उसके पास जाओ, या सोसाइटी के में जाओ,
हर जगह पे आप जाओगे तो उधर एक चीज हमेशा सुनने को मिलती है कि जितेंद्र रावत ने काम किया है हमारे यहाँ पे, और जो भी डेवलपमेंट हुआ है, कलवा, कलवा भी कैसा शहर था, पर अभी कलवा देखो, कुछ कुछ इलाके कलवा के जो है पारसिक नगर साइड में वगैरह, वो तो थाना क्या है, मतलब पांच पखाड़ी वगैरह जैसे इलाके, अच्छे इलाके अपन कहते हैं, तो वैसे ही दिखते हैं उधर के इलाके, तो ये फर्क तो है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि नजीब मुल्ला खड़े हैं, वो चुनौती जबरदस्त दे रहे हैं उनको, पर आखिर में जितेंद्र रावत ये चुनाव जीत सकते हैं ऐसे मुझे लगता है। क्या मार्जिन इस बार और बढ़ेगा कि कम होगा? जितेंद्र रावत और उनके जो कलीग्स है उनको तो 1 लाख का मार्जिन चाहिए इस बार, पर अपना सर्वे हमने जो किया था मुमरा का और कलवा का, उसमें दिखाया कि 50,000 के तो ऊपर जाएंगे। अभी वो कहाँ तक जाएंगे वो डिपेंड्स के वोटिंग कितना होता है, कलवा में वोटिंग कितना होता है, क्योंकि उधर की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, मुमरा मुसलमान बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कलवा हिंदुओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अच्छा, इसमें भी फर्क क्या गिरने वाला है, उधर चौरंगी मतलब फोर कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, जितेंद्र रावत राष्ट्रवादी शरद पवार तुतारी, ये राष्ट्रवादी घड़ी नजीब मुल्ला मन से खड़ा है उधर कैंडिडेट, और एमआईएम का भी कैंडिडेट खड़ा है। तो देखो अभी एमआईएम और मन से, एमआईएम तो वोट काटेगा जितेंद्र रावत का, एमआईएम वोट काटेगा तो मुस्लिम वोट बटेंगे, मतलब यहाँ पे हिंदू वोट बटेंगे मन से के, पर कैसे होगा, हिंदू वोट कलवा के नजीब मुल्ला को कम गिरेंगे, जितेंद्र रावत को 100% दोनों तरफ से वोट मिलने वाले हैं, क्योंकि काम दोनों तरफ हुआ है उसका, तो वो काम के बलबूते पे ही मैं कहूंगा कि जितेंद्र रावत जीत सकते हैं। सर, काम के बलबूते जितेंद्र रावत जीत सकते हैं तो 288 सीटों बाकी लोग जो है क्यों नहीं करते इस तरह काम, क्यों नहीं, क्या उनको फंड नहीं मिलती है, क्या वो करने काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं, क्यों ऐसा होता है कि लोग जितेंद्र रावत को मतलब हरा नहीं पाएगा कोई, क्योंकि वो काम करते हैं। अरे काम तो हर कोई, हर किसी को करना चाहिए, सबको बराबर एक फंड मिलता है, सबको बराबर। मैं आपको अपने एक जो सवाल किया था उसका जवाब देता हूँ कि जितेंद्र रावत सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहा, ये आलोचना वो ये लास्ट 2.5 साल में करने लगे, जब पहले माविया की सरकार थी उस वक्त मंत्री, तो मंत्री थे तो उनको तो फंड बहुत ही मिले, हाउसिंग मिनिस्टर थे वो। हाँ, अभी जो है लास्ट गत 5 वर्ष में क्या हुआ है, दोनों के बीच में मतलब महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में एक प्रकार की दुश्मनी का जैसे रिलेशन हो गया है। इसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, आपको आश्चर्य होगा सबसे ज्यादा आमदारों में सबसे ज्यादा निधि जितेंद्र रावत लेके आए। क्या बात है, मतलब निकालने वाला चाहिए आपको, निकालने वाला चाहिए काम करने की इच्छा रखना, काम करने की इच्छा जैसी इनकी है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने भी उतना बड़ा माइंड दिखाया कि भले वो विरोधी पक्ष का हो पर अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने भी निधि छोड़ा उसके लिए, उन्होंने वहां पे राजनीति नहीं की कि मैं अभी 200 मांग रहा है तो मैं 50 दूंगा। लेकिन हमारा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए कि जितेंद्र रावत कलवा उमरा जैसे नरक एरिया में, जहाँ 90% स्लम एरिया है, वहां पर एक अच्छा चीज पेश कर सकते हैं, अच्छा अपने आप को दिखा सकते हैं, तो बाकी आमदार लोग क्यों नहीं करते ऐसा, क्यों ऐसा उनको हर बार चुनाव में एक बार जीतते हैं एक बार हारते हैं, एक बार जीतते हैं एक बार हारते हैं, ऐसा क्यों होता है उनके साथ, क्या वो काम नहीं करना चाहते? देखिए, दूसरे आमदारों का तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों ऐसा करते हैं, पर जितेंद्र रावत का मैं एक चीज 100% कहता हूँ कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास कैसे होए और जीवन स्तर उधर के लोगों का कैसे वो सुधार सके, इसकी कोशिश में वो रहते हैं। वो इतने होशियार है कि उनको मालूम है कि अगर वो ये करते रहे तो वोट तो बाय डिफॉल्ट आने वाले ही है उनको, लोग उन्हीं को चुन चुन के वापस देने वाले ही है। जिस तरह वो काम को अपने प्राइवेसी में रखते हैं, देखा जाए तो वैसे ही वो अपने आप को चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ जो है सुर्खियां अपने में आते रहते हैं। उसका कारण क्या मानते हैं कि अपने आप को चर्चा में बने रहने के लिए वो ऐसा चीज़ें बोलते हैं, ऐसा कंट्रोवर्सी चीज़ खड़ा करते हैं तो कि वो पूरे इंटरनेशनल में हाईलाइट हो जाता है। जैसे आपने कहा, देखा होगा पिछले दिनों जब अयोध्या में राम मंदिर मतलब मुहूर्त हो रहा था तो कहे कि रामचंद्र जी तो मांसाहार थे, शिकार करके लाते थे, खाते थे, वो कंट्रोवर्सी आया। उसके पहले जो है मारपीट का कंट्रोवर्सी था, कुरमुसे वाला मामला आया, तो एक तरह से वो चर्चा में भी बने रहते हैं बराबर अपने आप को। देखो, मैं क्या ये चर्चा में बने रहने के लिए सब काम करते हैं? मैं इसमें ये थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ इसको। देखो, जितेंद्र रावत जिस बैकग्राउंड से ऊपर उभर के आए हैं, एकदम क्या बोलते हैं सामान्य घर से वो आए हुए हैं, वंजारी जाति के हैं, जिसको मतलब काफ़ी बार दबाया, हद तक वो जाति को काफ़ी बार दबाया गया है हुए ऐसे, तो और एकदम सामान्य घर से वो आए हुए हैं, तो
हर जगह पे उन्हें अपने आयुष्य में संघर्ष करना पड़ा है, हर जगह पे। गटरोसी में आना ही कौन संघर्ष है? तो मैं नहीं, तो वो संघर्ष करते करते उनका स्वभाव, जिसे मराठी में विद्रोही कहते हैं, कि सिस्टम के खिलाफ मैं झगड़ता रहूंगा हमेशा, तो वो उनके जैसे आदत बन गई। अभी वो विद्रोह हर जगह पे उनका विद्रोह उभर के आता है, और जो भी सिस्टम है या जो भी है एग्जिस्टिंग चीजें चल रही है उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, और वैसे ही वो करते आए हैं। उनकी जो लोग उनके ऊपर काफी टीका टिप्पणी करते हैं कि ये मुसलमानों के फेवर में राजनीति करते हैं, जितुद्दीन नाम बोलते हैं जिनको, जितुद्दीन कहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो उन्होंने इमेज बनाया है वो जानबूझ के बनाया है, क्योंकि आप देखो 60% एरिया उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुस्लिम एरिया है, 40% हिंदू एरिया है, और वहां पे अगर चुन के आना, 3 कंसेक्यूटिव टाइम मुसलमान लोगों ने एक हिंदू कैंडिडेट को चुन के देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। तो वो क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने एक विश्वास पैदा किया है उस कौम में कि मैं आपकी बात सुनूंगा और मैं आपके लिए काम करूंगा, और ये कहते कहते बताते बताते उनकी के खुद की इमेज ऐसे हो गई है कि वो मुस्लिम के फेवर में होते हैं, पर उन्होंने वो डरे नहीं, उन्होंने वो फेवर मतलब वो जो उनकी इमेज बनी है उसके मतलब क्या कहते हैं, वो छुपाने की कभी कोशिश नहीं की, और जो है वो खुल के करते हैं, वो डेरिंग वाला आदमी है, इसके लिए उनकी वहाँ पे पॉपुलैरिटी बरकरार है, बढ़ती जा रही है। मतलब तो कुल मिला क्या कहेंगी, नजीब मुल्ला वर्सेज जितेंद्र रावत को कितना कितना परसेंटेज दे सकते हैं? नहीं, मैं परसेंटेज पे नहीं दूंगा, मैं जैसा कहा कि हमारा सर्वे बता रहा है कि वो अच्छी, काफ़ी अच्छी मार्जिन से जीतेंगे, 50,000 के ऊपर उनका लीड रहेगा ऐसे दिख रहा है वहाँ पे। और एक चीज़ तो पक्की रहेगी, लीड मार्जिन वगैरह बाजू में रखिए, ये चुनाव जितेंद्र रावत जीतेंगे। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया जितेंद्र रावत के प्रति, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और विधानसभा से जुड़ी हुई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा रिक्वेस्ट है, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू।